हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 57। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ जो कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि अ पैनल रिव्यूज 6 कॉन्ट्रैक्ट बिड्स, ठीक है, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। नो टू बिड्स हैव द सेम कॉस्ट, ओके, एग्जैक्टली वन ऑफ द बिड इज एक्सेप्टेड, फाइन, द एक्सेप्टेड बिड इज इधर के और आर। अच्छा, तो उसने हमें अभी तक क्या बताया कि एक पैनल है, ठीक है, जो कि रिव्यू कर रहा है 6 कॉन्ट्रैक्ट बिड्स को, ठीक है, बिड्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और उसने क्या बोला है कि कोई भी दो बिड उसकी कॉस्ट सेम नहीं है, ठीक है, और हमें सिर्फ एक बिड को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और जो बिड है वो द एक्सेप्टेड बिड इज इधर के और आर, ठीक है, जो बिड एक्सेप्ट की गई वो या तो के है या फिर आर है, ठीक है, एंड इज ईदर द सेकेंड और द थर्ड लोएस्ट इन कॉस्ट। ओके सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके पास 6 बिट्स हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ये क्या आपके पास हाईएस्ट बिड है, ये आपके पास क्या है लोएस्ट बिड है, ठीक है। तो उसने सबसे पहली चीज़ हमसे क्या बोली कि जो बिड एक्सेप्ट की गई वो या तो के है या फिर आर है, ठीक है, और वो क्या हो सकती है, या तो सेकेंड या फिर थर्ड लोएस्ट, मतलब क्या इन दोनों में से कोई और हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला इस जे द फोर्थ लोएस्ट इन कॉस्ट। अच्छा, उसने हमसे बोला क्या जे फोर्थ लोएस्ट है, मतलब क्या आपका जे यहां पर आएगा, उसने हमसे सिंपल ये चीज पूछी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट उसने क्या बोला हमसे कि एच इज लोअर इन कॉस्ट देन ईच ऑफ जे एंड के। अच्छा, एच की जो कॉस्ट है वो कम है किससे, जे और के से, ठीक है, मतलब क्या जे और के पीछे आपके पास एच आएगा। उसके बाद इफ जे इज फोर्थ लोएस्ट इन कॉस्ट। अच्छा, अब उसने बोला कि अगर जे फोर्थ लोएस्ट है, इसका मतलब अगर जे यहां पर है, इन दैट केस जे इज हायर इन कॉस्ट देन ईच ऑफ एस एंड टी। तो उस केस में जे का कॉस्ट हायर होगा किससे, एस और टी से। उसने हमें यह चीज और बोली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है अगर हम उससे करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ उसने बोला कि अगर जे यहाँ पर है, इन दैट केस इसके पीछे कौन होगा, यहाँ पर एस होगा और टी होगा, ठीक है, और हम एक चीज़ ऑलरेडी जानते हैं क्या कि जे से पीछे आपके पास एच है ही, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इन तीनों प्लेसेस पर क्या आ जाए, एस टी और एच आ जाए, इन दैट केस के और आर के लिए आपके पास प्लेस ही नहीं बचेगा। लेकिन हम एक चीज जानते हैं क्या कि आपके पास सेकंड और थर्ड लोएस्ट में इन दोनों में से एक को ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो बिड एक्सेप्ट की गई है वो ये दोनों की गई है, ये चीज है ना। अगर हम जे को यहां पर पुट कर देते हैं, इन दैट केस आप इन दोनों को पुट नहीं कर पाएंगे ना इस प्लेसेस पर, इसका मतलब क्या है कि जे यहां पर नहीं आएगा, ये चीज हमें कंफर्म हो गई किससे, फर्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में उसने हमसे क्या बोला है कि इफ जे इज नॉट फोर्थ लोएस्ट इन कॉस्ट, अगर जे फोर्थ लोएस्ट नहीं है, देन जे इज लोअर इन कॉस्ट देन ईच ऑफ एस एंड टी। अच्छा, अब उसने बोला कि अगर जे आपका फोर्थ लोएस्ट नहीं है, मतलब यहां पर नहीं है, इन दैट केस जे क्या होगा, जे की कॉस्ट लेस होगी किससे, एस से और टी से, ठीक है, और उसके बाद इधर आर और एस इज फिफ्थ लोएस्ट इन द कॉस्ट। अच्छा, और आर और एस क्या है, वो आपके पास फिफ्थ है, मतलब क्या यहाँ पर आ रहा सकता है या फिर ऐसा आ सकता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, आप यहाँ पर कंफर्म बता सकते हैं क्या कि आपका जे यहाँ पर आएगा या फिर नहीं आएगा, बस ये मेरे को बताइए। नहीं, हम इससे कुछ पता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास इन केस अगर मैं सिर्फ सेकेंड की बात करूँ, मान लेते हैं कि जे यहाँ पर है, इन दैट केस क्या होगा आपके पास बताइए, यहाँ पर आपके पास कुछ भी आ सकता है, आर एस, ठीक है, हम चाहे यहां पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब इसमें अभी हमें सिर्फ सेकंड से हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम फाइंड आउट कर पाए कि जे यहां पर आएगा या फिर नहीं आएगा, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, सिर्फ हम फर्स्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने क्या पूछा हमसे, कंक्लूजन में पी और जे के सॉरी एच के बीच में रिलेशन पूछा है। पी आपके पास यहां है और एच आपको यहां पर है, ठीक है, तो P से H में कैसे जा सकता हूँ, इन दोनों में अगर मैं देखूँ आपके पास कॉमन पॉइंट क्या है, Q है ना, ठीक है, तो P से मैं Q जाऊँगा तो क्या रिलेशन आएगा, P इज लेस देन इक्वल टू Q,
और फिर क्यू से मैं एच जाऊंगा तो क्यू इज लेस देन एच। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पी इज लेस देन एच। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि पी इज लेस देन इक्वल टू एच, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म हो रहा है ना हमारे पास। उसके बाद एस और एम के बीच में अगर रिलेशन पूछता हूं तो देखिए एस यहां पर है और एम आपका यहां पर है, तो एस से एम में कैसे आ सकता हूं फिर, वही हमारे पास क्या है कॉमन पॉइंट, तो हमारे पास क्यू ही है ना। तो एस से अगर मैं बात करूं क्यू, आपके पास क्या रिलेशन बनेगा, ये बनेगा क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्यू से एम की बात करूँ तो ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, इनके बीच में अगर मैं रिलेशन देखता हूँ तो क्या आ रहा है कि एस इज ग्रेटर देन एम, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एस इज लेस देन एम, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं इसके बाद क्या है कि जे और जेड के बीच में उससे पूछा है, जेड आपके पास यहाँ है, ठीक है, और जे आपके पास यहाँ है, आप जे से जेड कैसे आ सकते हैं, इन दोनों में कॉमन पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो वी है। ठीक है, तो जे से मैं वी जाऊंगा तो मेरे पास क्या जे लेस देन इक्वल टू वी आ रहा है, फिर वी से अगर मैं जेड जाऊंगा तो वी इज लेस देन जेड आ रहा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, जे इज लेस देन जेड। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूँ यही गिवन है, इसका मतलब क्या है थर्ड आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट उसने हमसे क्या बोला है, एन और ए के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है, तो एन आपके पास यहाँ गिवन है, ए आपके पास यहाँ गिवन है, एन से ए, इन दोनों में कॉमन पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो क्या आपके पास एक्स नहीं है, एच नहीं है, एल नहीं है, एस नहीं है, के नहीं है, कुछ भी यहाँ पर कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो किसी तरीके से जा सकता हूँ क्या, मैं एन से अगर आई जाऊँ, आई मुझे यहाँ पहुँचा देगा, फिर आई से मैं एस जा सकता हूँ, फिर एस से मैं ए जा सकता हूँ। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, एन और आई क्या दोनों इक्वल है ना, तो मतलब क्या यहाँ पर मैं इसकी जगह एन लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एस का रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर एस से मैं ए का रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए एस इज लेस देन ए आएगा ना, एस इज लेस देन ए, तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन देखूँ इनके बीच में क्या आ रहा है कि ए इज ग्रेटर देन एन, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स और बी के बीच में अगर मैं रिलेशन देखता हूँ, एक्स आपके पास ये है और बी आपके पास यहाँ गिवन है, एक्स से मैं बी कैसे आऊँगा, फिर वही चीज़, आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, आपको बी से आई जाना पड़ेगा। ठीक है, आई आपको यहाँ पहुँचाएगा, तो बी से अगर मैं आई जाऊँगा तो क्या रिलेशन निकल रहा है, बी इज़ लेस देन आई। ठीक है, फिर उसके बाद आई से मैं एस जाऊँगा तो क्या आएगा कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू एस। ठीक है, फिर एस से मैं एक्स जा सकता हूँ, यहाँ पर क्या रिलेशन निकलेगा, एस इज ग्रेटर देन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इनके बीच में अगर मैं देखूँगा तो आपके साइन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए ना, इसका मतलब क्या है इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एस और एन के बीच में अगर मैं देखता हूँ तो देखिए एस और एन के बीच में आप यहाँ से भी रिलेशन देख सकते हैं, हमने कह रहा था ना, तो यहाँ से क्या रहा है, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू और टी के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है, यू आपके पास यहाँ गिवन है, ठीक है, टी आपके पास यहाँ गिवन है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ ना क्या यू इक्वल है किसके, क्यू के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यू इज़ ग्रेटर देन टी। ठीक है, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आर और ए के बीच में रिलेशन देखता हूँ तो देखिए आर आपके पास यहाँ है और कहीं आर नहीं है ना, फाइन, ए आपके पास यहाँ है और कहीं ए नहीं है ना। ठीक है, तो अगर मैं आर से ए जाता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, आर से मैं एन जा सकता हूँ, ठीक है, एन से एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी जा सकता हूँ, वी से जी जा सकता हूँ, जी से अगर मैं जाऊँ तो एस जा सकता हूँ, एस से फिर मैं और कहीं नहीं जा पाऊँगा, मतलब मैं आर से अगर देखूँ तो मैं ए पर नहीं पहुँच रहा हूँ, इजंट इट, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आर और ए के बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको देखूँ इसको मैं गलत बोलूँगा, इसको अगर मैं देखूँ तो इसको मैं गलत बोलूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी एक रिलेशन को डेफिनेट कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं उनके बीच में क्या है, फाइन, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसने बोला है कि 9 पर्सन वर देयर इन अ रूम, ठीक है, दीज पर्सन वर रिलेटेड टू ईच इन सम वे। अच्छा, उसने हमसे बोला कि 9 पर्सन है, ठीक है, एक रूम में, और ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड वर देयर इन अ रूम। अच्छा, उसने बोला कि या तो किसी एक चाइल्ड के दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं या फिर एक भी पेरेंट जिंदा नहीं है, मतलब क्या कोई भी यहाँ पर सिंगल पेरेंट नहीं होगा, उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद देखिए उसने बोला कि नंदन वॉज फादर ऑफ ब्रजेश हु हैड 2 चिल्ड्रन। अच्छा, उसने बोला कि नंदन कौन है, वो फादर है किसका, नंदन फादर है किसका, ब्रजेश का,
ठीक है, जिसके दो चाइल्ड हैं, जिसके दो क्या है चाइल्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नंदन अगर फादर है इसका मतलब इसकी एक वाइफ होगी, ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ पर बी इसकी भी क्या होगी, या तो आई मीन इसका भी कोई एक स्पाउस होगा, ठीक है, ये चीज़ कंफर्म है क्योंकि इसकी भी क्या है चाइल्ड है। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला कि विवेक वॉज द ओनली डॉटर ऑफ ब्रजेश, बट ब्रजेश वॉज नॉट द मदर ऑफ विवेक। अच्छा, उसने बोला कि विवेक कौन है, वो इकलौती डॉटर है किसकी, ब्रजेश की। ओके, विवेक इकलौती डॉटर है, इसका मतलब जो दूसरा इसका सिबलिंग होगा वो मेल होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है। लेकिन ब्रजेश क्या है, वो मदर नहीं है, इसका मतलब फादर होगा, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। और इसकी शादी किसी के साथ हुई होगी, फाइन। उसके बाद कोयल वॉज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ निकिता। अच्छा, कोयल कौन है, वो ओनली सिस्टर इन लॉ है किसकी, निकिता की, ठीक है। निकिता वॉज द ओनली सिबलिंग ऑफ ब्रजेश। ओके, निकिता कौन है, ओनली सिबलिंग, ओनली सिबलिंग कौन है, निकिता। उसके आगे निकिताज वाइफ हैड ओनली वन चाइल्ड। अच्छा, निकिता की जो वाइफ है मतलब क्या, ये मेल होगा, और इसकी वाइफ, ठीक है, इसके सिर्फ एक चाइल्ड है, फाइन। उसके बाद टीना वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ करण, हु वॉज द मदर इन लॉ ऑफ बिल्लू। अच्छा, उसने हमसे क्या बोला कि टीना कौन है, टीना ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, किसकी, करण की। ओके, जो कि मदर इन लॉ है किसका, बिल्लू का, फाइन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, अगर हम देखिए अभी अगर मैं देखूँ आपके पास कितने लोग हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पर कोई एक कहेगा 9, आपके पास टोटल कितने 9 पर्सन हो गए ना। अब आप यहाँ पर और किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इतना आपको चीज़ पता है। उसने क्या बोला कि टीना कौन है, ग्रैंड डॉटर है। आप टीना ग्रैंड डॉटर है, देखिए ये तो ग्रैंड डॉटर हो नहीं पाएगी, और ये टीना नहीं हो पाएगी, इसका एक चीज़ कन्फर्म है, ये आपके पास कौन होगी, टीना ही होगी, ठीक है। और टीना जो ग्रैंड डॉटर है वो किसकी है, वो करण की है, जो कि मदर इन लॉ है। अब करण मदर इन लॉ है, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा करण, ठीक है। और ये मदर इन लॉ किसकी है, वो है बिल्लू की, ठीक है। इसका मतलब बिल्लू या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके आगे उसने हमसे क्या बोला है कि शिल्पी वॉज सन ऑफ करण्स डॉटर इन लॉ। ओके, शिल्पी कौन है, वो सन है किसका, करण के डॉटर इन लॉ का, मतलब ऑब्वियसली शिल्पी आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे एक चीज़ बोली थी यहाँ पर, ये कौन है, कोयल, ठीक है। कोयल कौन है, वो ओनली सिस्टर इन लॉ है किसकी, निकिता की। इसका मतलब कोयल कहाँ आ सकती है, कोयल यहीं पर आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास क्या बचा, बिल्लू बचा, तो बिल्लू यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी फाइनल आपके पास जो फैमिली ट्री बना। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हाउ वॉज कोयल रिलेटेड टू निकितास वाइफ। ओके, तो कोयल निकिता की वाइफ का क्या लगता है, उसने हमसे चीज बने, तो सिस्टर इन लॉ लगी, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवन इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उसने बोला है कि इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, मलिका इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड निकी इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। ओके, उसने बोला कि एक रो में जो कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, उसमें मलिका क्या है, वो लेफ्ट एंड से 15th है, ठीक है, और निकी क्या है, वो राइट एंड से 19th है, निकी राइट एंड से 19th है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला दे इंटरचेंज देयर पोजिशन, वो क्या करते हैं, अपनी पोजिशन को इंटरचेंज करते हैं, एंड महक हु सिट्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। महक कहाँ पर है, वो 24th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, सिट्स एट 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ मलिकास न्यू पोजिशन। ओके, तो वो कहाँ पर है, 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ मलिकास न्यू पोजिशन, मतलब क्या, मलिका की न्यू पोजिशन होगी यहाँ पर, उसके 5th पोजीशन है ये, ठीक है। उसने हमसे ये चीज़ बोली है ना, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको एक पॉइंट मालूम है क्या, अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं मलिका की न्यू पोजीशन है, ठीक है, जो मलिका की न्यू पोजीशन है वो स्टार्टिंग में निकी की पोजीशन होगी, है ना, मतलब क्या, निकी की पोजीशन क्या, यहाँ से 19th होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पोजीशन को इस साइड से निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी ये आपके पास, 24 + 5, मतलब 29 हो जाएगी ना, ठीक है। और ये पोजीशन आपके पास स्टार्टिंग में निक्की के पास थी, जो कि राइट एंड से कितनी है, 19th है, फाइन। तो यहाँ पर हम टोटल लोग निकाल सकते हैं ना, कैसे,
29 + 19 = 48 - 1 मतलब 47, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके सो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।